हाँ तो दोस्तों, गट्टूडी के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों दो एक और थोड़ा पेडिगिरी और एक चपाती खा के बैठा हुआ है। इधर आओ लो गट्टू, लो जामफल खाएंगे, आ जाओ। ये देखिए अमरूद, और देखिए ये अमरूद की तरफ कैसे देख रहा है गट्टूडी। अमरूद आ जाओ, ये आ गए गट्टूडी। गट्टूडी बैठो बैठो, देखो गट्टू अमरूद की तरफ ऐसा देख रहा है, इसकी नजर बिल्कुल अमरूद की तरफ है। ये अमरूद खाएगा बेटा, अमरूद खाएगा, ले अमरूद खा ले, वो देखो अमरूद खा रहा है, आज अमरूद खा रहा है गट्टू। न्यांग 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 न्यांग। सारे फल पसंद है, सिर्फ एक फल पसंद नहीं है, इसको बनाना पसंद नहीं है, बाकी अमरूद अच्छा लगता है इसको। मम्मी और अमरूद चाहिए मेरे को, और चाहिए बेटा, देखो अमरूद, थोड़ा सा अमरूद और दे देती हूँ, बस इतना सा दूंगी। चोरा भैया ब्लॉग देखेगा तो चिल्लाएगा कि सर्दी हो जाएगी, इसको अमरूद मत दो। चोरा भैया नहीं देखेगा, मम्मा दे दो अमरूद थोड़ा सा। देखो कैसा खा रहा है उधर का मुँह करके, यही छोरा भैया नहीं देखेगा, मम्मी इधर का मुँह करके खा जाऊंगा सारा अमरूद। मम्मी कोरोना वापिस आ गया है, यहाँ यहाँ। अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं करते मच्छी। आज दोस्तों मौसम साफ होता और थोड़ी धूप निकलती तो मैं अपनी गट्टूडी को चेम्पू से निलाती, नाई नाई कराती मेरी बच्ची को। देखो नहाने का कितना शौक है, चली नहाने चली, बोल लो नहाने का नाम लिया, नहाने चल दी। छोटे बच्चे तो इतने डरते हैं नहाने से, और मेरी गट्टूडी बिल्कुल नहीं डरती नहाने से। देखो ये नहाने का नाम लिया और गेट के पास आके खड़ी हुई, जाओ आओ। वो देखो नहाने चली, देखो नहाने का उसको पता है कहाँ जाती है नहाने। वो देखो नहाने चलेगी, वो देखो नहाने चलेगी कि मम्मा नहला दो मेरे को। देखो क्या कर रही है, नहीं नहीं मौसम ऐसा हो रहा है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, हल्की फुल्की है, इसलिए इसको ठंड लग जाएगी, इस वजह से मैं इसको नहीं नहला रही। कुछ अच्छी धूप निकलती तो मैं इसको नहला देती, और ये तो नहाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है एकदम से। बेटो आज नहीं नहाएंगे, कल नहाएंगे, है ना, समझा कर। सारी बातें सुनता है मम्मा की। देखो आके खड़ा हो गया मेरा बेटा, मेरा गंजूड़ा, इस पे चढ़ो, हाँ चढ़ जाओ, वेरी गुड। क्या हुआ गट्टू को नहाना है, ये देखो घूमता रहता है सारे दिन, ये इधर से उधर इधर से उधर, इसका खाना तो यूं पच जाता है। निलाओ नहीं मम्मी, तो एक पतंग दिला दो, सब बच्चे पतंग उड़ा रहे, देखे पतंग उड़ा रहे क्या, मेरे को दिखा के ला पहले ऊपर चल। मुझे बता रहा है कि मम्मा मुझे निला नहीं रहे हो तो आप मुझे एक पतंग दिला दो, सब बच्चे पतंग उड़ा रहे, मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। मैंने बोला अभी नहीं, संक्रांत पे दिलाऊंगी तेको, तो बोलता है चलो मैं आपको बता के आता हूँ, सब पतंग उड़ा रहे। अभी मुझे बताने जा रहा है दोस्तों, देखो ये गट्टूडी, चल भाई चल चल, इस बच्चे की तो फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी, बोलता तो है नहीं पर स्टाइल बहुत समझा देता है। अब देखती हूँ अभी ऊपर जाके, अगर पतंग नहीं होगी ना तो आज पिट्टी करूंगी इसकी। सांस भर गई मेरी, देखो देख रहा है दोस्तों की मम्मा आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही हूँ भाई आ रही हूँ। देखो दोस्तों कितना झूठ बोलता है, आसमान पूरा साफ है, एक भी पतंग नहीं उड़ रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, बालाजी का झंडा उड़ रहा है पर पतंग बिल्कुल नहीं उड़ रही है। आ गया ये रहा चोर, ये रहा, ये देखो ये देख रहा है अभी कि मम्मा पतंग उड़ रही थी, अभी सब उतार ली किसी ने, ये तो लोमड़ी बनने आया है ऊपर, देखो ठीक ठीक। देखो तो लोमड़ी बनने आया है, इसको कोई पतंग वतंग नहीं दिख रही है, उल्लू बना रहा है सब। हाँ अच्छा अड्डू उड़ा रहा है पतंग, इसने अड्डू की देखी, देखो दोस्तों पतंग दिलाऊंगी दिलाऊंगी, संक्रांत पे दिलाऊंगी, अभी नहीं दिलाऊंगी। चलो कुलदीप भैया दिलाएंगे, कुलदीप भैया से बोलते पतंग लेने चले, चलो 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 पैसे दूंगी, कुलदीप भैया के साथ जाना। अब ये नीचे जा रहा है, कुलदीप भैया का भेजा खाएगा, ये पतंग उड़ा लेगा क्या दोस्तों? कुलदीप मेरे को पतंग दिला तू, तेरा सर फोड़ दूंगा। ये घुस रहे, देखो कुलदीप के पास आ चुका है, इसको पतंग चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए इसको पतंग, क्या चाहिए कुलदीप, इसको एक पतंग दिला दे यार। छत पे तो रखी थी। अरे ये उल्लू बना के ले गया मुझे, आसमान पे एक पतंग नहीं उड़ रही कुलदीप अभी, और है ना ये क्या है कि अद्दू उड़ा रहा था तो उनकी डोली पे झांक के बता रहा था कि अद्दू उड़ा रहा है, ऊपर ही रखी दे दो ना। अरे फाड़ देगा, थक गया ये, अब बैठ गया ये कुलदीप के पास ही बैठ गया, पर कुलदीप को पटाने के लिए कि कुलदीप मुझे पतंग दिला, नहीं तो तेरे ये पाँव दिख रहे ना दोनों, इसको मैं काट लूंगा जोर की। अब शाम की 4 बज चुकी है और हमारी गट्टूडी और मेरा ब्रेकफास्ट, मतलब शाम का 4 बजे का फ्रूट्स का नाश्ता होएगा, और मैं भी करूंगी और मेरी गट्टूडी भी करेगी। अब देखना आप गट्टूडी कहाँ खड़ी है, आप सोच रहे हो गट्टूडी इधर उधर है, गट्टूडी नहीं है, गट्टूडी ये रही मेरी गट्टूडी, और ये रही प्लेट। आओ गट्टूडी नाश्ता करेंगे, बैठ जाओ, वेरी गुड, वो बैठ गए सोफे पे, देखो
इतना पास इसका फ्रूट्स पड़ा है पर ये मुंह नहीं लगा रहा है, बस देख रहा है कि मम्मी जब तक मेरे को ऑर्डर नहीं देगी जब तक मैं खाऊंगा नहीं। बेटू नहीं ना, अब मैं इसको खिलाऊंगी बेचारे को, क्योंकि इसकी इच्छा हो रही है कि पपीता खाए। ये खाएगी ताजा ताजा फ्रूट्स, पपीता। पहले मेरे गट्टूड़ी खाएगी फिर मम्मा खाएगी। ले गट्टू खा ले, देखो यम 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 यम। कैसा लगा गट्टू, कैसा लगा? मस्त। देखो गट्टू को, एक नंबर मम्मी मीठा गट। कैसा देख रहा है, पर उसकी हिम्मत नहीं है कि देखो मेरे से बिना पूछे खा ले, इतना समझता है मेरा गट्टू। पपीता खाना है, गट्टू खाएगी। खा ले बेटा। हाँ मजा आ गया गट्टू, क्या कर ले हो बेटा? ये बच्चा सिंक में क्या कर रहा है, क्या टटोल रहा है बेटा उसमें? अच्छा हैंड वॉश करना है? नहीं बेटा अभी ठंडे में ठंडा हो जाएगा, हैंड वॉश नहीं करते। मम्मी मुझे हैंड वॉश करना है। क्यों, सुसु पोटी तो करी नहीं और हैंड वॉश करने आए हो? कुलदीप को मारो। याहू, मैं छुप जाती हूँ। वो आ गई, ओ भाई वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। कुलदीप को मारने का नाम लिया तो देखो कुलदीप को बचाने आ गई। मैं कहाँ हूँ चन्ना, मैं कहाँ हूँ? वो देखो बेटा, मैं छुप जाती हूँ। देखो इसने मुझे ढूंढ लिया, वो कपड़ा लेके भाग गया है। अब बन रहा है हमारे लिए मेथी का पराठा, गट्टू के लिए उबल रहे हैं दो देसी अंडे। ये मैं गांव गई थी वहां से लेकर आई थी। गट्टू की स्थिति आप देख सकते हो कि गट्टू कैसे बैठा है, ये देखो। चलो यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ देखो क्या बन रहा है, इतना होशियार है ये। देखो इस तरीके से खड़ा हो जाता है ये, देखो देखो सब तरफ से टटोल रहा है कि किधर क्या चीज बन रही है। मेथी का पराठा बन रहा है, खाना खाने के लिए गट्टू भी तैयार रेडी हो चुका है। गट्टूड़ी का नाश्ता बन चुका है और गट्टूड़ी खाना खा रहा है, बड़े चाहत से और बड़े प्यार से खाना खाता है। ये फेवरेट भोजन है ये, अंडे एंड पेडिग्री। इसके अंडे की ट्रे इसके पापा ला चुके हैं, ये पूरी ट्रे हमारी गट्टू की है। ये अभी ऑफिस से आए हैं बैंक से और इसकी अंडे की ट्रे लेकर आए हैं। ये ट्रे खाली हो चुकी है, ये पड़ी नीचे। इस गट्टूड़ी को मैंने खाना खिला दिया है पर ये गट्टूड़ी किचन से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लग रहा है इसके एकाध कंडे की कमी रह गई है। अब मैं इसको एक और एक उबाल रही हूँ। ये रहा गरम गरम मालपुआ, गरम पराठे खाइए, ठंड भगाइए। पानी पतासे वाला आया है और गट्टूड़ी गिरा, मुझे पानी पतासे खाना बेटा, पानी पतासे नहीं खाते, पानी पतासे गर्म नहीं होते। गरम गरम अंडे खा, अंडा उबाला है। मैं दो अंडे इसको मैं देसी खिला चुकी हूँ, एक अंडा और इसको फार्मी वाला खिला रही हूँ ताकि इसकी भूख भग जाए। नहीं खाएंगे पानी पतासे। मम्मा की याद करता है ऐसे ना, छोटे बच्चे रहते हैं ना, बिल्कुल छोटे बच्चे अपनी मम्मा का इंतजार करते हैं, भाई मम्मा काम करके आएगी हमको सुलाएगी। देखो ये मेरे पास ऐसे सो जाता है गंजूड़ा, अब इसको गोदी चाहिए माँ की। अब 2.5 साल का हो चुका है ये, कहता ही इतना बड़ा हो गया है, कहता ही बच्चा बन के रहेगा ये। थोड़े दिन बाद लाड़ी भी आ जाएगी इसकी, पेचे गोदी में चोएगा क्या ये, ऐसे गोदी में चोएगा क्या? हमें तो सोऊंगा मम्मा की गोदी में, बताओ। अब इसको नींद ही नहीं आती है, सब मैं भी क्या करूँ, लोमड़ी बन जाता है ये, बहुत मंडू। अब सोचो बेटा नींदू कर ले, लोमड़ी बन जाती है, लोमड़ी बन गई, लोमड़ी लोमड़ी बन गई। ऐसे नहीं सोते बेटा, मैं थक जाती हूँ, नीचे उतरो, इतने बड़े हो गए, चलो नीचे उतरो। नहीं 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 ऐसी गंदी बात, चल वो कुलदीप भाई आ गए, वो कुलदीप भाई से प्यार करो। टूड़ी देखिए कितनी मस्ती कर रहा है आज, और मम्मी और मैं देखिए मम्मी से कितना मतलब कुछ रहता है। फार्मी अंडे भाई, इसको तो देखो क्या हो गया गक्कू, तो मस्ती आती है रात में, देखो मस्ती आती है इस बच्चे को तो। देखिए दोस्तों रात में ये ऐसे ही मस्ती करता है दोस्तों, रोज की रोज इसका यही है। और बस अब मेरे को तो ना वो खाना है यार, मेथी के पराठे गर्मा गर्म, और बाकी गट्टूड़ी को अब सुलाएंगे क्योंकि गट्टूड़ी बहुत रात में मस्ती करती है और मम्मी बेचारी पूरे बाल ही बाल हो गए। क्या करे बच्चे का है, बच्चे के बाल भी सेम करने पड़ते हैं। तो कल बच्चे को आप निलाना मम्मी, आप अगर अच्छी धूप आए तो। ये देखिए इसको क्या कर रहा है, ये जो कुछ जो कुछ जो कुछ। मेरी बात सुन, अब सो जाओ, अब सो जाओ, अब सुना, सो चलो सुना। रात की 11 बज गई, सो जाओ, मम्मी बुला रही, मम्मा मम्मा मम्मा। आखिरकार मम्मी को फिर कुछ करना पड़ा, अब मम्मी इसको सुलाएगी गट्टूड़ी के साथ साथ।
अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए आगे, ताकि हम वीडियो डालते रहेंगे। गट्टू का कुछ कुछ मोमेंट्स तो डालते ही रहेंगे। बाय।